नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, गधे के सिर बनने से अच्छा होता है हाथी का पूंछ बन जाओ। लेकिन इस केस में पाकिस्तान, कुवैत और कतर ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और खुद से जाके कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया। आप कह सकते हैं कि अपना पैर काट लिया। दोस्तों आने वाले एक दो साल में दोस्तों पाकिस्तान, कुवैत और कतर का अर्थव्यवस्था खत्म होने वाला है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा गलती किया है वो भी तुर्की के चाल में आके। तुर्की जिस प्रकार से पूरे दुनिया को भ्रमित कर रहा था, इस्लामिक कंट्री को तोड़ रहा था, ओआईसी को तोड़ रहा था और जितना भी सऊदी का मित्र था सबको तोड़ के अपने मिला रहा था, बोल रहा था कि हम फिर से ऑटोमन एम्पायर खड़ा करेंगे। यानी कि रज्जब तेरदुगन कहना है हम खलीफा बनेंगे, पूरे दुनिया में हमारा हुक्म हो सका। और दोस्तों उसी के बातों में आके कह सकते हैं मलेशिया भी दोस्तों पहले फुदक रहा था लेकिन अभी शांत है। पाकिस्तान, कुवैत और कतर ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और ये चारों देश यानी कि तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत, कतर आतंकवादियों को समर्थन करना शुरू कर दिया। दोस्तों आतंकवादी से पूरी दुनिया परेशान है, पूरा यूरोप परेशान है, पूरा भारत परेशान है, पूरे अमेरिका परेशान है, रूस परेशान है, चीन परेशान है। दोस्तों उसी आतंकवादी का खुलकर समर्थन कौन किया? तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत, कतर ने किया। और इसीलिए तुर्की सहित पाकिस्तान और कुवैत, कतर पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और आने वाले समय में दाने दाने के लिए ये चारों देश तरसने वाला है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पाकिस्तान में हरकंप मचना शुरू हो चुका है। मौलाना टीवी डिबेट में आ रहा है, बोल रहा है कि आखिरकार इमरान खान ने इतना बड़ा गलती कैसे किया, अब हमें कौन बचाएगा, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और समझिए। लेकिन इन सबसे पहले कुछ मित्र के मन में ये सवाल उठता हुआ कि भाई ये संभव नहीं है, तुर्की को कोई हरा नहीं सकता है, तुर्की को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा पावरफुल देश है, उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है। दोस्तों आप लोगों के मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठता होगा लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1990 के दौरान आप देखेंगे इराक कितना मजबूत देश था। इराक दोस्तों दुनिया का सातवां पावरफुल देश था, सातवां। दोस्तों इराक बहुत ही ताकतवर था, सबको लग रहा था कि इराक 2000 ईस्वी तक यानी कि 2005 तक दुनिया में तीसरा चौथा बन जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 1990 की बात है। लेकिन क्या हुआ, इराक आज किस प्रकार बर्बाद हो गया? एक तानाशाह आया जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। दोस्तों उसी प्रकार से ये भ्रम निकाल लीजिए तुर्की बर्बाद हो जाएगा, ये आप लोग मत सोचिए कि तुर्की बहुत पावरफुल है। दोस्तों तुर्की का आज क्या है, व्यवस्था क्या है तुर्की का? दोस्तों आप देखेंगे वर्ल्ड में, दोस्तों देखेंगे तुर्की टॉप 10 से बाहर है। दोस्तों 10 से 11 नंबर पे शक्तिशाली नंबर में आता है, 10 से 11 नंबर पे शक्तिशाली नंबर में तुर्की आता है। तो आप कह सकते हैं कि इराक की तुलना में तुर्की बहुत ही कमजोर अभी भी है। और दोस्तों तुर्की का दुश्मन पूरा दुनिया बन चुका है, एक तरफ आधा इस्लामिक दुनिया है यानी कि ओआईसी का आधा कंट्री है, सऊदी अरब समेत बहुत सारे देश है ना जो तुर्की का प्योर विरोधी हो चुका है, कट्टर दुश्मन बन चुका है। इन सब के अलावा अमेरिका दोस्तों तुर्की के पीछे हाथों के पड़ा हुआ है, ट्रंप गया अब बाइडेन आ रहा है और बाइडेन तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका कहना है कि तुर्की के कारण से ही पूरा मिडिल ईस्ट तबाह है। इन सब के अलावा दोस्तों चाइना भी तुर्की से परेशान है क्योंकि चाइना के खिलाफ तुर्की ने कई बार बयान दिया, बोला कि चाइना उइगर मुसलमान पे बहुत अत्याचार कर रहा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाइना का औकात दिखा देंगे, चाइना को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देंगे। और दोस्तों तभी से चाइना तुर्की के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। आप जानते हैं भारत और तुर्की का रिश्ता आज कैसा है? दोस्तों तुर्की आज कहीं का नहीं है और इसी कड़ी में दुनिया के 27 देश ने मोर्चा खोल दिया है। दुनिया के 27 देश का कहना है कि तुर्की को बर्बाद करेंगे, तुर्की आतंकवादी समर्थक देश है, तुर्की को दुनिया से मिटाएंगे, नक्शे से गायब करेंगे, क्योंकि तुर्की जब तक रहेगा तब तक आतंकवादी पनपता रहेगा, तुर्की मानवता का दुश्मन हो चुका है। दोस्तों बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में कहा है, बोला कि पाकिस्तान एक भिखारीस्तान मुल्क जो दूसरे के पैसा पलता हुआ देश, उसमें इतना हिम्मत कैसे आया, आतंकवादियों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया। पाकिस्तान सहित तुर्की और कुवैत, कतर को अब बहुत जल्द इन चारों देश को सबक सिखाया जाएगा और इसका अर्थव्यवस्था खत्म किया जाएगा। दोस्तों चले शुरू जानते हैं आखिरकार क्या होने वाला है। देखिए आप जानते हैं फ्रांस में क्या हुआ। दोस्तों फ्रांस के खासतौर पे राष्ट्रपति ने जो बयान दिया ना, उस पर पूरी दुनिया भड़क गया। आप कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया के तमाम देश भड़क गया। दोस्तों फ्रांस का यही कहना है यानी कि इमैनुअल मैक्रोन का यही कहना है कि चलो बाय द वे हमारे बात से आम जनता सहमत ना हो, यानी कि कोई जनता सहमत ना हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का पॉलिटिशियन भी सामने आ चुका है, तुर्की का राष्ट्रपति भी सामने आ चुका है। इसका मतलब यह है कि ये तमाम देश आतंकवादी का समर्थन करने वाला है, यही लोग फंडिंग करता है तो जगह जगह बम ब्लास्ट होता है। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों जगह जगह दोस्तों षड्यंत्र रचा गया, यहाँ तक बयान दिया गया कि राष्ट्रपति को हम मार देंगे, राष्ट्रपति का हत्या कर देंगे। दोस्तों आप कह सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन के बारे में दोस्तों खासतौर पर तुर्की, पाकिस्तान,
कुवैत दोस्तों कतर बहुत कुछ कहा, आप कह सकते हैं कि हद पार कर दिया, इंसानियत के नाम पर दोस्तों कलंक मन गया। आप कह सकते हैं कि फ्रांस अब यही बात ईयू को बोल रहा है। आप बोलें कि ईयू क्या है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन, जानते हैं ना, 27 देश का एक समूह है। पहले 28 देश था जिसमें ब्रिटेन निकल गया दोस्तों, जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रिटेन निकलने के बाद अभी 27 देश रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस ईयू का दोस्तों सबसे पावरफुल देश पता है कौन है? वो है फ्रांस है। ईयू में एकमात्र देश है वो फ्रांस, जिसके पास आज न्यूक्लियर बम है, बाकी किसी के पास नहीं है। और फ्रांस का अर्थव्यवस्था दोस्तों बहुत ही मजबूत है। आप कह सकते हैं कि फ्रांस जो बोलेगा वही होगा। और दोस्तों जिस प्रकार आतंकवादियों ने जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप के तमाम देश में जगह जगह बमबारी किया है, परेशान किया है, सब आज एक हो चुका है। और यही बात फ्रांस ईयू को बता रहा है और बोल रहा है कि भैया ये कब तक हम लोग सहेंगे? हम लोग को एक होना होगा और तुर्की पाकिस्तान का सबक सिखाना होगा। सबसे पहले तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना होगा, तोड़ना होगा, उसे जड़ से ख़त्म करना होगा। दोस्तों आप बोलेंगे कि ऐसा कौन कहा? देखिए आप जानते हैं ईयू का एक पार्लियामेंट है दोस्तों, फ्रांस का नहीं, ईयू का 27 मेंबर है जिसमें पार्लियामेंट है, उसका भी संसद होता है दोस्तों। फ्रांस के संसद यानी कि ईयू में दोस्तों आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद है दोस्तों। उसने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उसका नाम है दोस्तों जॉर्डन बर्देला। जॉर्डन बर्देला कहना है कि भैया ये तो हद हो गया, आखिरकार हम पे आतंकवादी हमला भी हो और हमारे खिलाफ सब नारा भी लगाए, और बड़ी बात तो यह कि हमारे सामान को बहिष्कार भी करे, और वो भी वो देश जहाँ खाने के लिए दाने नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी हमारा सामान नहीं खरीदता है, उसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन वही पाकिस्तान आज तुर्की के बहकावे में आके हमारे राजदूत को बाहर निकाल रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोग पिछले कुछ दिन से आ रहा हुआ है कि हम फ्रांसीसी राजदूत को पाकिस्तान से भगाएंगे और पाकिस्तान को शुद्ध करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान अब फ्रांस का बेइज्जती कर रहा है, और इसीलिए फ्रांस का कहना है कि पाकिस्तान का क्या हैसियत, जिस पाकिस्तान को हम दान देते हैं गरीबी के नाम पर, उसे हम कई बिलियन डॉलर दे चुके हैं, खाने के लिए हम दाने भेजते हैं, वो पाकिस्तान और तुर्की कुवैत हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करेगा, हमारे राजदूत को बाहर निकालेगा। दोस्तों इसीलिए अब फ्रांस बुरी तरह से बौखला गया है और बोल रहा है कि अब तो आर या पार करने का समय आ चुका है, यूरोपियन यूनियन एक हो जाए, नहीं तो जिस प्रकार से ब्रेग्जिट हुआ था, जिस प्रकार से ब्रिटेन बाहर हुआ था, हम भी निकल लेंगे, तो फिर ईयू का कोई मतलब रहेगा ही नहीं। अब वो समय आ चुका है कि 27 देश एक हो जाए, जिस पर्पस के लिए हम लोग बने थे वो पर्पस हम लोग को दिखाना होगा, और चुन चुन के पाकिस्तानियों को यूरोप से भगाना होगा। यूरोप में आज बहुत सारे पाकिस्तानी हैं दोस्तों। पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था चल रहा है ना, जिसमें यूरोप का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, पाकिस्तान के गरीब लोग यूरोप में जाकर दोस्तों सड़क खास तौर पर सफाई करता है दोस्तों, टॉयलेट साफ़ करता है दोस्तों, बड़े बड़े होटल साफ करता है, तो उससे बहुत पैसा कमाता है दोस्तों। उन पाकिस्तानियों को अब भगाया जाएगा, ऐसा फ्रांस का कहना है। बोल रहा है कि न तो तुर्की का कोई लोग यहाँ पे आ सकता है, न कुवैत का, न कतर का, और खासतौर पर पाकिस्तानी को चुन-चुन को भगाया जाएगा। इन सब के अलावा पाकिस्तान को अब कोई फंड नहीं देंगे, पाकिस्तान को पहले हम गरीबी के नाम पे हेल्प करते थे और पाकिस्तान को कोई सामान ना खरीदेंगे। पाकिस्तान तो अपना सारा जोर लगा लिया है, लेकिन अब हम लोग जोर लगाएंगे और पाकिस्तान और सबसे पहले तुर्की को सबक सिखा के रहेंगे। दोस्तों खासतौर पे ईयू का दो सांसद है दोस्तों, उसने साफ कर दिया कि आप लोग का क्या मत है, आप लोग क्लियर कीजिए, इस तरह का गुंदन मत कीजिए, अभी अगर चुप रहे ना तो आने वाले समय में उसको कीमत चुकाना होगा, और कोई भी देश कुछ बोल सकता है। और दोस्तों सच्चाई तो यह है कि ईयू के तमाम मेंबर दोस्तों अब सोच रहा है कि हाँ सचमुच में पाकिस्तान तुर्की कुवैत को अब सबक सिखाया जाएगा, कतर को सबक सिखाया जाएगा, और दोस्तों उस पर प्लान बना रहा है। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं ईयू में दोस्तों यानी कि यूरोपियन यूनियन में जगह जगह दोस्तों आतंकवादी भरा हुआ है, और कह सकते हैं कि कई बार हर जगह बम ब्लास्ट किया है, कई बार आदमी को मारा है दोस्तों। इसीलिए ईयू के लोग परेशान हो चुका है और वहाँ का सरकार भी परेशान हो चुका है, और 27 देश दोस्तों बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। अब आप पूछेंगे कि क्या ऐसा संभव है क्या, पाकिस्तान तुर्की का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए क्या, और क्या कुवैत कतर का बर्बादी तय है? दोस्तों ये फैक्ट है। अभी तक दोस्तों केवल यूरोपियन यूनियन ही तुर्की के साथ दे रहा था, पाकिस्तान के साथ दे रहा था, बाकी अमेरिका दोस्तों ऑलरेडी पाकिस्तान से कट हो चुका है, अमेरिका ऑलरेडी तुर्की से कट हो चुका है, चीन भी दोस्तों तुर्की से कट हो चुका है, भारत भी कट हो चुका है, यानी तुर्की ऑलरेडी अलग थलग पड़ा हुआ था। अब दोस्तों यूरोप के 27 देश अलग थलग करने वाला है, कह सकते कि तुर्की पूरी तरह से अलग थलग हो जाएगा। रही बात मिडिल ईस्ट में दोस्तों, मिडिल ईस्ट में
आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब बहुत खुश है, सऊदी अरब चाहता है कि तुर्की बर्बाद हो। दोस्तों सऊदी अरब और तुर्की की दुश्मनी आज से नहीं है, बहुत पहले से है। खासतौर पे सऊदी अरब का दोस्तों बहुत राजा का दोस्तों तुर्की में ले जाके सरकलम कर दिया गया था, यानी कि आज से 100 साल पहले दोस्तों सऊदी अरब के किंग को दोस्तों तुर्की में ले जाके मारा गया था, तभी से सऊदी अरब और तुर्की का रिश्ता खराब है। दोस्तों उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब खुश है और सऊदी अरब साफ तौर पर अपने तमाम दोस्तों को राजी कर लेगा और बना लेगा कि कोई भी देश तुर्की के साथ न थे।